जब डिसकंटिन्यू मोड में जाता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप मोड में जाता है, तो सबसे पहले हम मेंटली डिटैच होते हैं। वो दोनों वीडियो में आपको समझ आ गया होगा मेंटली डिटैच के क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम मेंटली डिटैच होते हैं। जब हम मेंटली डिटैच हो जाते हैं तो हम इग्नोरेंस मोड में चले जाते हैं, और इग्नोरेंस मोड में जाने के बाद हमारी अगली स्टेज होती है डिप्रेशन मोड। तो डिप्रेशन के भी कुछ सिम्टम्स हैं रिलेशनशिप में। अगर वो डिप्रेशन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे चैनल को अवर ब्रेन अवर लाइफ। अभी हम रिलेशनशिप का एक सीक्वल चला रहे हैं जिसमें रिलेशनशिप में हमें अभी तक बात किया है मेंटल डिटैचमेंट का। तो पिछले दो वीडियो में आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप जब डिसकंटिन्यू मोड में जाता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप मोड में जाता है, तो सबसे पहले हम मेंटली डिटैच होते हैं। वो दोनों वीडियो में आपको समझ आ गया होगा मेंटली डिटैच के क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम मेंटली डिटैच होते हैं। जब हम मेंटली डिटैच हो जाते हैं तो हम इग्नोरेंस मोड में चले जाते हैं, और इग्नोरेंस मोड में जाने के बाद हमारी अगली स्टेज होती है डिप्रेशन मोड। तो डिप्रेशन के भी कुछ सिम्टम्स हैं रिलेशनशिप में। अगर वो डिप्रेशन मोड में जाते हैं तो हम मेंटली नेगेटिव थॉट्स सोचने लगते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ने से बहुत सारे इंपैक्ट आते हैं और फिजिकली आल्सो इंपैक्ट आते हैं। तो दोनों चीजों का इंपैक्ट आने लगता है। तो हम ये लेकर चलते हैं कि सेकंड स्टेज में जो डिप्रेसिव मोड है उसमें क्या क्या होता है। दूसरा, ये वीडियो थोड़े लंबे हो रहे थे तो इसलिए हमने थोड़े ब्रेकअप करके डाले हैं, पर आप चेक कर सकते हैं हर एक वीडियो को हमने थोड़ा छोटा किया है। रिलेशनशिप वैसे भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करने में बहुत ही लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि आप रिलेशनशिप बनाते भी तो बहुत लंबे टाइम के लिए हैं। तो हम इसको फिर भी कोशिश करेंगे जितना कॉम्पैक्टली आपको शेयर कर सकें। चलते हैं जर्नी पे, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हम और आप जुड़े रहें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो हजारों में आगे हैं। कुछ कुछ वीडियोस को तो हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार लोग देख रहे हैं, बट सब्सक्राइबर ऐड नहीं हो रहे। मुझे लगता है ताइबू है कि साइकोलॉजिस्ट से अटैच नहीं होना, इससे बाहर आ जाइए। जितना आप अटैच रहेंगे उतनी अच्छी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन आप हमसे प्राइवेटली पूछते हैं उसको आप ओपन प्लेटफॉर्म पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो सकता है चार लोगों का हो, बाकी लोगों को आपके उस क्वेश्चन से हेल्प हो जाएगी। चलते हैं इस जर्नी पे, डिप्रेस्ड रिलेशनशिप क्या होता है और इसके अंदर क्या पांच ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम बियर करते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा रिलेशनशिप डिप्रेस्ड रिलेशनशिप में जा चुका है, सेकेंड स्टेज है, और इसके बाद फाइनल स्टेज होगी कि हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे और सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं अपनी मैरिज लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, लिव इन रिलेशनशिप को, तो आपको अभी करेक्शन करने की जरूरत है। तो अब हम चलते हैं, पहला पॉइंट क्या है, पहला इंपैक्ट क्या होता है। पहला इंपैक्ट है हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी है, लेकिन हम बड़ी कंसोलिडेट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, इंसोमनिया। आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप क्या करेंगे, दवाई ले लेंगे नींद की, बहुत बढ़िया, दवाई की डोज बढ़ाते जाइए और उसके इम्पैक्ट देखते रहिए बॉडी के ऊपर। या आजकल तो मॉडर्न तरीका है, बहुत सारी ड्रिंक कर लेंगे। दोनों ही तरीकों से आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, आपको मालूम है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, 100% आप डिप्रेसिव मोड में जा चुके हैं, प्लीज इमिजिएटली उसका करेक्शन कराइए। आप चेक करिए आपको डिप्रेशन है या नहीं है, उसके टेस्ट आते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट के वीडियोस हमारी वॉल पे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है, आप 10 बजे सोए, 12 बजे नींद खुल गया और उसके बाद नींद नहीं आएगा जब तक कि आपकी बॉडी पूरी टायर्ड नहीं होगी। तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर, वेट गेन करना, सडनली आपका वेट बढ़ने लगेगा। अब ये मत कहना कि मैं बहुत सारा जंक फूड खा रहा हूं या खा रही हूं तो वेट तो बढ़ेगा ही, प्लीज, ठीक है। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे, सुबह वॉक नहीं करेंगे, जो जर्नल हमारा रूटीन है तब वो नहीं करेंगे तो वेट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, सुबह उठ के वॉक कर रहे हैं, शाम को वॉक कर रहे हैं, उसके बावजूद वेट गेन कर रहे हैं, तो डिप्रेशन इज ए वन कॉज फॉर दिस। वेट लूज करना ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सब ठीक ठाक खा रहे हैं बट सडनली आपका वेट लूज होने लग गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है।
तो अगर ये फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज आपको इसके ऊपर चेक करवाने की इमीडिएटली जरूरत है। बॉडी एक पेन होना शुरू हो जाएगा, ये जो कंधे हैं आपके, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बस सारी दुनिया का वजन इन्हीं कंधों पे उठा रखा है, और ये कंधे बिल्कुल टायर्ड लगेंगे, हाथ ऐसे लगेंगे टूट के गिर गए, एनर्जी है नहीं मेरे में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये रिलेशनशिप में डिप्रेस रिलेशनशिप का कारण आ गया है। इसके सिम्टम के बाद सर्वाइकल्स, आपको माइग्रेन, बॉडी पेन, चेस्ट में पेन, आपके लेग्स में पेन, नीज के नीचे पेन, थाइस में पेन, काफ्स में पेन, ये सब पेन शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, सबसे पहला तो यहाँ से शुरू होता है और चेस्ट से शुरू होता है। चेस्ट वाले मैंने एंग्जाइटी के वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, वॉल्स पे अवेलेबल हैं। तो ये अगर शुरू हो गए तो ये रिलेशनशिप जिसमें आप रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं, वो स्टेज पे आ चुका है डिप्रेशन के। और उस स्टेज के बाद आपको प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। एडामेंट अप्रोच हो जाएगी आपकी। एडामेंट अप्रोच में अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप अपनी बात मनवाएंगे अपने काउंटर पार्ट से, वो तो एक एडामेंसी दिखाएंगे, लेकिन आप ऑफिस में भी एडामेंट हो जाएंगे। आप कलर को लेके, आज तो मेरे को येलो कलर का सूट पहनना है, आज मेरे को पीले कलर का सूट पहनना है, नीले कलर का सूट पहनना है, कुछ भी एडामेंसी हो सकती है। आज मेरे को यहाँ बाहर खाना है, आज मेरे को सुबह कुछ नहीं खाना है, आज मेरे को सुबह वॉक नहीं की, मैं इरिटेट हो गया। और जैसे जैसे आप एडामेंट होते जाएंगे, आप में एंगर बढ़ता चला जाएगा, आपको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप चिल्ला सकते हैं, आप घर के बर्तन तोड़ सकते हैं, ठीक है, दीवारों को तोड़ सकते हैं, आप खुद को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ये सेल्फ एडामेंट जब आप होंगे तो ये सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करेंगी। तो ये स्टेज आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि डिप्रेशन में आपको क्या हो रहा है। तीसरे पे चलते हैं, ओवरथिंकिंग विल स्टार्ट। हम बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग की दुनिया में चले जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम हमारे रिलेशनशिप के अलावा हमारे को एक और फियर आने लगेगा, अगर मैं आज इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देता हूं या कर देती हूं तो मैं अकेली रहूंगी कैसे, या अकेला रहूंगा कैसे। कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ लोग जॉब में नहीं होते हैं। जो जॉब में नहीं है उनकी तो और टेंशन है, क्योंकि मॉनेटरी इश्यूज शुरू हो जाएंगे दिमाग में। और जो लोग जॉब में भी हैं उनको भी लगता है यार इस एनवायरमेंट में सरवाइव कैसे करेंगे। तो ये एक ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, और इस ओवरथिंकिंग में स्पेशली हमें ये लगने लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं हमारे काउंटर पार्ट के, शायद इसी वजह से झगड़ा हो रहा है, जबकि झगड़ा आपके डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। और वो आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर है भी नहीं तो आप फिर भी उसकी जासूसी करने लगेंगे, फोन चेक करेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया है ना, फोन चेक करेंगे, लैपटॉप चेक करेंगे, क्या करता रहता है सारा दिन ये लैपटॉप में, या ये सारा दिन फोन में क्यों करती रहती है, कितने सारे पासवर्ड लगा के रखते हैं। और फिर जब आप ये सारी चीजें चेक करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको कुछ नहीं भी मिलेगा तो भी आप डिल्यूजन्स क्रिएट करेंगे। साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है डिल्यूजन्स, वो इसलिए क्रिएट करेंगे कि आप अपनी चीज को, अपनी थॉट को, अपनी ओवरथिंकिंग को फिक्स कर देंगे कि ये ऐसा ही है, इसको ऐसा ही मान लेना चाहिए। जैसे कहते थे ना गांव में, वो बरगद के पेड़ के नीचे भूतनी रहती है, वो ना तो भूतनी किसी ने देखी होती है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन करने वाले गांव में सारे लोग मिल जाएंगे, वो ऐसी है, उसके दांत ऐसे हैं, उसके नाक ऐसे हैं। तो आप उस डिल्यूजन में होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पूरी डिस्क्रिप्शन कर देंगे। और ये स्टेज के अंदर अगर आप आगे हैं तो ये ओवर थिंकिंग की हाईएस्ट स्टेज है, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे, ओल्ड मेमोरीज एंड पेन। हम बार बार ओल्ड मेमोरीज में जाएंगे। ओल्ड मेमोरीज क्या होती है, कभी हमें दसवीं की क्लास में उसने स्माइल दी थी, ऐसा हम शेर शायरी करते हैं ना, सारे जब टीनेज में आते हैं सारे शायर हो जाते हैं, गालिब से कम कोई समझता नहीं, जब मैं दसवीं में था उसने स्माइल की थी। और आजकल तो सोशल मीडिया है, पहले तो ये होता नहीं था, फिर गूगल पे ढूंढेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहां मिल जाए, बस वो मिल जाए, कई कई दिन खराब करेंगे, अगर वो नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और अगर वो मिल गई बाई चांस
तो तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट और पूरी राम कहानी सुना देंगे। मैं तेरे को दसवीं में तब मिला था जब मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था या आगे बैठता था, पूरा डिस्क्रिप्शन। अब वो हो चुकी है दो दो बच्चों की माँ, उसकी चल रही है लाइफ, ठीक है, वो आपको कहां से बचानेगी। अब वो इग्नोर कर देगी तो आप इरिटेट होंगे। सारे ही लोग ऐसे हैं, स्वार्थी हैं, ये संसार मिथ्या है। तो जो बड़े बड़े बाबा हैं ना, उनको भी आप शागिर्द बना लेंगे, इतना अच्छा बिहेव करने लगेंगे। तो ये ओल्ड मेमोरीज हैं। और फिर पेन याद आएंगे। पेन क्या है तुम्हें याद है? मेरी मम्मी वहां आ रही थी स्टेशन से, तुम लेने नहीं गए थे। अब कब? आज से 5 साल पहले। अब उस टाइम क्या सिचुएशन थी या नहीं थी? हो सकता वो जान के नहीं गया था, खत्म। वो चीज तो भूल चुके हैं, आगे आ चुकी है लाइफ, लेकिन हम वही खड़े होंगे वापस जाके। फिर वही मम्मी भी भूल चुकी है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, बट मेरे को याद करना है। मेरा एक रिलेटिव हॉस्पिटल में था, तुम क्या कर रहे थे यहाँ बैठ के? ताश खेल रहे थे तुम? यहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई जब था तब बोलना चाहिए था, और नहीं था तो तभी लड़ लेना चाहिए था। लेकिन डिप्रेशन में हम लोग ऐसे ही लूप्स में जाते हैं, इसको हम लूप्स बोलते हैं साइकोलॉजिकल, और लूप्स ट्रिगर करती हैं। और व्हेन इट स्टार्ट ट्रिगरिंग यू, यू विल कम इनटू द फ्रस्ट्रेशन, और इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, अगेन घर के बर्तन टूटेंगे, अगेन आप अपने आप को हार्म करने की कोशिश करोगे, सेल्फ हार्म करोगे, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स में सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे। चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। स्टे विद नेगेटिव थॉट्स। हम जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इसको हम साथ में कैरी करने लगते हैं, और जब हम कैरी करने लगते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी अच्छी थी तुमने खराब कर दी, वो आदमी उस लड़की को ब्लेम करेगा, लड़की उस आदमी को ब्लेम करेगी, यू स्पॉइल्ड माय लाइफ। अब गलती से उन दोनों में से एक ठीक है, एक डिप्रेशन में एक ठीक है। अब जो ठीक वाला है ना, वो सोचेगा भाई देखो ऐसा है, गलती तो हुई है, सॉरी मांग लो और इसको बोलो कि अब से हम नई शुरुआत करते हैं, मैं भी अपने में चेंज करता हूं, आप भी चेंज करो, जो जो हमारी वीकनेस है उन पे ओवरकम करते हैं उन्हें, और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और अच्छी लाइफ जीते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप तोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता तब तक। अब क्या है आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, उस टाइम आप उसी अच्छे मूड में जाओगे, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, हम करेंगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, चलो आज डिनर करते हैं, बढ़िया सा खाना खाओगे, होटल का बिल बनेगा एक बढ़िया अच्छा खासा। फिर जब अगले दिन सुबह उठोगे, तुमने याद है तुम्हें, तुमने आज से 5 साल पहले ये किया था, फिर वही लूप स्टार्ट नेगेटिव थॉट्स के। अब इस रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल की पूरी राम कहानी दोबारा से शुरू हो जाएगी। 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल की राम कहानी दोबारा से शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो शुरू होती जाएगी, तो ये समझ लीजिए स्टेज लास्ट है डिप्रेशन के। क्योंकि ये लूप्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड लूप्स। कुछ आपने देखा आर्मी वाले वायर लगाते हैं, एक दूसरे के अंदर फंसी होती है वायर, उनसे बाहर निकलना, घुसना बहुत आसान है, बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो लूपिंग वायर बोलते हैं उन्हें। तो वो लूपिंग वायर जो है वो थॉट्स की बन जाएंगी, और आप उनसे बाहर नहीं आ पाओगे। और जब बाहर नहीं आ पाओगे तो लास्ट स्टेज क्या बचेगी, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको इंप्लीमेंट करना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स को इंप्लीमेंट करके हम सेपरेट कैसे होते हैं, और उस सेपरेशन में क्या माइनसेस होते हैं, क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, और कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये वही स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बोला कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर बचने की कई सारी स्टेज होती हैं। हम लेकिन उस स्टेज को इग्नोर करते हैं, हमें लगता नहीं नहीं, नहीं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जब सब कुछ निकल जाता है हाथ से, तब हमें याद आने लगती है कि ओफ काश काश हमने ऐसा किया होता। जल्दी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर रिलेशनशिप की फाइनल जो नेगेटिव थॉट्स है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं लोग, वो बताएंगे, उसके सिम्टम्स बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।